हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सत्यम शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर ऑक्सीटोसिन क्लासेस। दोस्तों, जिस भी बच्चे ने नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दिया था SGPGI के लिए, जो कि 22 मार्च को कंडक्ट हुआ था, आज उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, बढ़े हैं तो कितने कितने बढ़े हैं, और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे आज शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूं कि SGPGI का कब हुआ था एग्जाम। 22 तारीख को, 22 मार्च को ये कंडक्ट हुआ था ये एग्जाम। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों, टोटल पोस्ट थी 1974, जिसमें से अनरिजर्व्ड की यानी कि जनरल की जो वैकेंसी थी वो थी 790, EWS की 197, OBC की 533, SC की 415 और ST की 39 जो वैकेंसी दी गई थी। अब मैं बात करूं कि दोस्तों की जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें कितने मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसके बाद मैंने डाटा को उसको एनालाइज किया, उसके बाद मैंने जो देखा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में जिन जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे उनके दोस्तों नंबर कम हुए हैं। यानी कि SGPGI के अनुसार जिन बच्चों ने मॉर्निंग वाला एग्जाम दिया था वो जो बाकी दो शिफ्ट थी उनसे काफ़ी आसान था। पहली शिफ्ट वाला जो एग्जाम था वो उन्हें आसान लगा, इसलिए उन्होंने उसके नंबर थोड़े कम कर दिया। कम कितने हुए हैं दोस्तों, जिसके भी नंबर जितने भी आए थे उसमें से वो 0.65 माइनस कर सकते हैं, इतने उन्होंने नंबर कम करे हैं पहली शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट वाला दोस्तों उन्हें सबसे मुश्किल लगा, जो दोपहर में हुआ था पेपर वो उन्हें सबसे टफ लगा, तो इसीलिए उन्होंने उसमें 2.8 नंबर बढ़ा दिए हैं। जो आपके पास मेल आया होगा कि इतने तुम्हारे करेक्ट आंसर हैं, उसमें उन्होंने लगभग ढाई नंबर, ढाई से भी ज़्यादा नंबर बढ़ाए हैं। उन्हें ये वाला एग्जाम आफ्टरनून वाला टफ लगा, इसीलिए जिन बच्चों ने भी सेकंड शिफ्ट में दिया था उन्हें अब बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि उनके दो से ढाई नंबर, ढाई से भी ज़्यादा नंबर उनके बढ़ गए हैं। उनकी रैंक पहले कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच गई है, सोचो। एक एक नंबर पे बच्चा 200, 300, 300 रैंक नीचे हो जाता है, यहाँ तो ढाई ढाई नंबर से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। और दोस्तों, जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था, जो शाम को एग्जाम हुआ था, उसकी लगभग उसको भी फायदा मिला है, वो भी टफ माना गया, लेकिन उसके बस डेढ़ नंबर बढ़े हैं। वैसे तो डेढ़ नंबर भी काफ़ी हैं, पर डेढ़ नंबर बढ़े गए हैं जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ कि भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं, कितने कितने कम हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रैंक तक जाने वाली है। मैं रैंक के अकॉर्डिंग बताऊंगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि जो जनरल वाला कैटेगरी वाला बच्चा है उसकी इतनी रैंक आ रही है तो वो सेफ कैटेगरी में है या फिर उसके चांसेस हैं, वो सब अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी कि भाई जो एनालिसिस है, जो नॉर्मलाइजेशन है, उसके बाद क्या क्या नंबर बैठे हैं, किसके कितने कम हुए हैं, कितने बढ़े हैं। तो अब अगर मैं बात करूं डायरेक्ट कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनर है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमेशा ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाता है। ऐसा वो इसलिए करता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं पर पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो बस एग्ज़ाम देके देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी देखना चाहते हैं, जो अलग हॉस्पिटल में, जो नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली एम्स में आना चाहते हैं, किसी दूसरे एम्स में आना चाहते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम सारे देते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अब पैटर्न क्या चल रहा है क्वेश्चंस का और वो किस पानी में हैं अभी, वो ये देखना चाहते हैं नॉर्मली। बाकी वो ज्वाइन नहीं करेंगे इस जॉब को, बस अपनी जो रैंक आ गई है उसको एक वो एक अचीवमेंट मान के सोच लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अब मैं अच्छी रैंक आ रही है तो मैं नॉर्सेट क्रैक कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया वो भी अभी एग्जाम देके देख रहे हैं कि उन्हें कितनी नॉलेज है, वो भी इस जॉब के लिए वैलिड नहीं है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, काफ़ी बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली डेट पर पहुँच नहीं पाते, कोई भी इशू रहता है। तो इसलिए हमेशा एग्जामिनर वैकेंसी उनकी खाली ना जाए, पोस्ट उनकी खाली ना जाए, इसलिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुला के रखते हैं वो पहले से। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट कि भाई क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। जनरल की बात करूं दोस्तों, अगर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 790, काफ़ी बम्पर वैकेंसी थी, लेकिन बम्पर वैकेंसी के साथ साथ बच्चों ने भी भर भर के ये फॉर्म फिल किया था, क्योंकि ना तो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने ये वाला एग्जाम फिल किया था। तो मैं अगर एक अंदाज़ा लगाऊँ, एक एक्सपेक्ट करूँ कि भाई जिनकी 1200 से 1300 के अंदर रैंक है, 1200, 1300, 1400 तक भी जिनकी रैंक है ना, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, वो इन हैं इस एग्जाम में, बहुत बहुत चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बच्चों तक को बुलाया जा सकता है, तो दोस्तों DV के लिए ना 2000 जिनकी रैंक है, 2000 तक जिनकी रैंक है उनकी पॉसिबिलिटीज है कि DV के लिए उन्हें बुलाया जा सके। अब अगर मैं बात करूं OBC की कैटेगरी की, भाई जैसे जो जनरल कैटेगरी है ना भर भर के फॉर्म आते हैं, ऐसी OBC कैटेगरी से भी काफ़ी भर भर के फॉर्म आते हैं। तो और इस एग्जाम में दोस्तों आपको ये बात पहले से पता होगी कि जो यूपी के कैंडिडेट है ना,
उनके लिए तो ये बिल्कुल, ये मान लीजिए सोने पे सुहागा वाली जॉब थी, जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं की कैटेगरीज मानी जाएगी, जो यूपी से अदर स्टेट के हैं ना वो सब जनरल में काउंट होंगे। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा हाई है, इसलिए जो जनरल की मैंने बताई है ना वो 1200 तक जाएगी, क्योंकि बाहर के सारे बच्चे ना दोस्तों जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो जिनकी 1200 तक है रैंक वो अपने आप को थोड़ा सेफ समझ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बॉर्डर लाइन बन जाती है। लेकिन डीवी के लिए 1800 1900 2000 तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है। अब वहीं मैं बात करूं ओबीसी की, कि भाई अगर आपकी रैंक 1500 से 2000 है, 1500 मान के चलना आप कि 1500 तक है, क्योंकि इसमें जो ओबीसी है उनके जो वैकेंसी थी ना दोस्तों वो थी 533, तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई इतने में जनरल वाले इतने आ जाएंगे, अगर कैटेगरी के इतने आ जाएंगे उनको निकाल के, तो भाई जिनकी 1500 से 2000 आ रही है ना रैंक ओबीसी वाले बच्चों की, वो थोड़ा सेफ समझ सकते हैं। बाकी 2500 तक मोटा मोटा लेके चल रहे हैं कि 2500 तक जिनकी रैंक है ओबीसी कैटेगरी से, उन्हें डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं पे अब मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें 415 एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी। ये तो बिल्कुल जो यूपी का एससी का कैंडिडेट है ना उसके लिए ये बेस्ट जॉब थी, बेस्ट वैकेंसी थी, उसका सिलेक्शन थोड़े से पढ़ने पे भी आराम से हो सकता था। बात करूं मैं 3500 से 4000 जिनकी रैंक है, इसको 4500 भी मान सकते हैं आप, 4500 तक जिसकी रैंक आई है ना एससी कैटेगरी से वो इन है इस एग्जाम में, 5000 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 415 वैकेंसी एससी कैंडिडेट की, जो कि बस यूपी के अंदर वाले बच्चों की है, बाहर का तो कोई वैलिड ही नहीं है, चाहे वो एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तो मैं इसको आप 5000 लिखिए दोस्तों, 5K जो एससी से 5000 तक रैंक ला रहा है ना बच्चा वो इन है, वो उसको 100% बुलाया जाएगा डीवी के लिए और ज्यादा आप मान सकते हैं, लेकिन मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं एससी कैटेगरी से, जिसकी जो यूपी से है 5000 उसकी अगर रैंक आ रही है 5000 के अंदर अंदर, उसका सिलेक्शन श्योर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों जो EWS कैटेगरी है ना वो भी एक गोल्डन है, जिन बच्चों के पास जो यूपी से हैं और EWS उनकी कैटेगरी है तो वो भी बहुत ज़्यादा सेफ हैं, कहाँ तक 4000 रैंक तक, क्योंकि दोस्तों अभी ये सब बच्चे इस जो ये EWS वाला जो इनका सर्टिफिकेट है ये बनवा नहीं पा रहे हैं, इसमें दिक्कत आ रही है बनने में, सभी लोगों का ये बन नहीं पा रहा है, तो जिन बच्चों का बन चुका है ना उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये कि 4000 तक जिसकी रैंक आएगी ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन श्योर है यूपी में, यूपी में जो EWS है जिसकी 4000 तक रैंक आ रही है उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों EWS की भी 197 पोस्ट थी, 197 पोस्ट थी EWS की, जिनकी 2500 रैंक है वो तो बिल्कुल श्योर इन माने, लेकिन 3500 तक भी जो बच्चा है EWS से वो भी इन माने इस चीज़ को, उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जिनकी 4000 पोस्ट है ना, जो 4000 रैंक आई है उनको बुलाया ही बुलाया जाएगा। 2500-3000 तक जो कैंडिडेट है EWS से, क्योंकि बच्चों बहुत कम लोगों के पास EWS का सर्टिफिकेट होता है, तो जिन जिन के पास है और जिनकी इतनी रैंक आई है 2500-3000 वो अपने आप को इन मान सकते हैं। लास्ट में अगर बात करूं एसटी कैटेगरी में तो भैया जिसकी अगर 5000-5500 तक भी रैंक आ रही है ना वो भी इस एग्जाम के लिए वैलिड है, क्योंकि इतने कम कैंडिडेट होते हैं ना एसटी कैटेगरी के, और पोस्ट यहाँ पे कितनी है 39 पोस्ट हैं, कैंडिडेट ही बहुत कम होते हैं, और उनमें से जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आप ये मान लीजिए ये एग्ज़ाम इतने बच्चों ने दिया था जिनकी रैंक 5000 तक आ रही है ना वो अपने आप को एक तरीके से टॉपर समझें, इतने सारे बच्चों में पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिनकी 3000-4000 तक रैंक आ रही है, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, उनके नंबर 70 के आसपास हैं, 70 से ऊपर मार्क्स हैं, कट ऑफ इतनी हाई गई है कि भाई जिसकी 80-82 नंबर बैठ रहे हैं उसकी भी रैंक 250-300 बन रही है, तो आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम कितना इसकी मेरिट कितनी हाई गई है। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इसके आसपास ही रहेगा रिजल्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कि यही रहेगा, इसके आसपास ही रिजल्ट रहने वाला है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, होप करता हूं जो जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा, उन सभी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो और अगर जिन बच्चों का इसमें नहीं हो पा रहा ना दोस्तों, तो वो भी आशा ना हारें, वो भी मेहनत करते रहें, दो एग्जाम आ रहे हैं नॉर्सेट जून में, नॉर्सेट सितंबर में, तो नॉर्सेट के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, नॉर्सेट में लो सिलेक्शन, एम्स में जाओ अपना मस्त बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वाली जॉब करो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।